हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेश बौद्ध में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती से रिलेटेड टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। जो ये सीरीज है, ये सामान्य विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होंगे। आज मैं पार्ट फर्स्ट लेके आया हूँ। इसके बाद कंटिन्यूअस पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर सभी क्वेश्चन लेके आऊँगा सामान्य विज्ञान से रिलेटेड। तो आप चैनल के साथ बने रहिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट भी करिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। कौन कौन से इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मैं आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन बनाया हूँ। तो फ्रेंड्स, जो आज के क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, एंटीपायरेटिक दवाओं का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो देखिएगा दोस्त, ये पायरेक्सिया, इसे क्या कहते हैं, पायरेक्सिया भी कहते हैं, और बुखार को कम करने के काम आता है एंटीपायरेटिक, जो कि फीवर को कम करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एनाल्जेसिक दवाओं का उपयोग प्रयोग में लाया जाता है। तो एनाल्जेसिक जितने भी दवाई हुई, ये दर्दनाशक दवाई होती है, ये क्या सूजन को भी कम करती है और साथ ही साथ रेडनेस होती है तो उसको भी ख़त्म कर देती है। तो ये सब चीज़ें एनाल्जेसिक दवाइयाँ होती है। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवंशिकी रूप से अभियंत्रित प्रथम जीवित जीव है। तो वो जो, यानी कि इसको क्या कह सकते हैं, क्लोनल जीव भी कह सकते हैं। जो क्लोनल थी वो क्या थी, भेड़ थी, जिसका नाम क्या था, डोली रखा गया था, प्रथम जीवित जीव। अब तो ये जीवित तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक इसका नाम भेड़ था, जो क्लोनल द्वारा भारत में पहली बार बनाई गई थी, क्लोन के द्वारा। तो चौथा क्वेश्चन है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। तो वो होती है लोहा, यानी कि आयरन उसमें मायोग्लोबिन में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बायोडीजल पौधा कहलाता है, बायोडीजल कौन सा पौधा है, ये है जेट्रोफा। कई बार पेपरों में पूछा भी जाता है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोनल वर्ण का प्रयोग किया जाता है। देखो, जो डोली, जो मैं इससे पहले बताया था, जो भेड़ की नस्ल थी डोली, वो भी क्या थी, क्लोनल द्वारा, यानी कि उसमें कोई मेल या फीमेल, यानी कि सेक्स के द्वारा नहीं बनाई गई थी। जबकि जो ये जो डोली होती है, अधिकांशतः जो भी जितने भी ये ब्रीड्स होती है, वो सब क्या, सेक्स, यानी कि मेल और फीमेल दोनों होते हैं। अब जबकि आलू होता है, उसमें क्या, इस उसी का कोई पार्ट करके उसको नेक्स्ट जनरेशन के लिए तैयार किया जाता है। तो क्लोनल वर्ण का उपयोग किया जाता है, वो है आलू। सातवां क्वेश्चन है, वह जंतु कौन है जिसने अंतरिक्ष में प्रथम बार यात्रा की थी। देखिएगा, अंतरिक्ष में जाने वाला जंतु था वो था क्या था, कुत्ता था, ठीक है। तो आठवां क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधीय एवं सुरभि पादप संस्थान स्थित है, वो कहाँ है, लखनऊ में, यानी कि यूपी में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार का मिशन इंद्रधनुषी संबंधित है। तो वो है सात टीका निवारण या रोगों के विरुद्ध, यानी कि बच्चों का टीकाकरण से रिलेटेड है इंद्रधनुष करा, ये संबंधित है मिशन, जो क्या केंद्र सरकार की योजना है। दसवां क्वेश्चन है, दही बनाने में किस जीवाणु का विशेष योगदान होता है। वो होता है लैक्टोबैसिलस के द्वारा। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन प्राप्त होता है। तो वो होता है, आयोडीन कहाँ से प्राप्त होता है, लेमिनेरिया नामक शैवाल से। सवाल लिखा गया लेकिन इसको करेक्शन कर दिएगा, लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त किया जाता है। बारहवां क्वेश्चन है, बैसिलस थ्रोजेनेसिस एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु क्या है, एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है जिसका प्रयोग सामान्यतः किया जाता है, किस लिए किया जाता है, यह क्या, एक जैविक कीटनाशक के रूप में किया जाता है। देखिएगा गाइज, आपने बहुत सुना होगा बीटी ब्रिंजल सुना होगा बहुत ज़्यादा, तो उसमें भी क्या था, यही बैसिलस थ्रोजेनेसिस का प्रयोग किया गया था। इससे क्या होता था कि जितने भी जो कीड़े थे वो सभी लोग, इंसेक्ट्स, मर जाते थे, लेकिन क्या, कहीं ना कहीं ये ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल नहीं था, इसलिए बीटी कॉटन को बंद कर दिया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तेरहवा, स्थानीय वनस्पति का संग्रह कहलाता है। तो क्या क्या कहलाता है, हर्बेरियम। देखिएगा, जितने भी बायो के स्टूडेंट होंगे वो सभी लोग जानते हैं कि जब भी प्रैक्टिकल होता है तो उसमें क्या कर देते हैं, जितने भी हमारे स्थानीय जो प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे, उसमें क्या करते हैं, हर्बेरियम में एक फाइल बनती थी, तो उसमें क्या उन्हें इकट्ठा कर दिया जाता था। तो यही क्वेश्चन है, इसमें स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है, हर्बेरियम कहलाता है। तो ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है, तो वो क्या है, डॉप्शन यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये पंद्रह क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा का कारण होता है SO2 तथा NO2, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है DDT है। DDT क्या है, तो वह एक वीडिसाइड, यानी खरपतवार नाशी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ब्लैक होल सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो ब्लैक होल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो एस चंद्रशेखर ने किया था। गुरुत्व आकर्षण नियमों के आविष्कार
आविष्कारक कौन है? तो वह है न्यूटन है। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी? तो वह किया था डायनामाइट की खोज की थी। 1900 क्वेश्चन है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो वो की थी गैलीलियो ने की थी। तो आज का जो अंतिम क्वेश्चन है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? एक बैरल यानी कि जितने भी आपको मालूम होगा कि पेट्रोल हम जब डलाते हैं, जो पेट्रोल को बैरल में नापा जाता है, तो एक बैरल में कितने लीटर होता है? 159 लीटर होता है एक बैरल में। तो गाइज आज के क्वेश्चन कैसे लगे आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। क्वेश्चन तो ईजी है, लेकिन क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन ही अमूमन था पेपर में ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए इनको ज़्यादा सीरियसली लीजिएगा। तो थैंक यू आज के लिए।